हेलो गाइस, वेलकम टू बाजार बादशाह। हमने हमारे चैनल का नाम BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस से चेंज करके बाजार बादशाह रख दिया है, बिकॉज मैं चाहता था कि हमारी चैनल वायरल हो जाए उसके पहले एक ऐसा नाम रख दिया जाए जो हर किसी की जबान पे आराम से आ जाए और आसानी से आ जाए। तो आज की वीडियो बाजार बादशाह आपके लिए ये लाया है कि हमने पिछले 4 महीने से एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा एल्गो ट्रेडिंग यानी कि ऐसा रोबोट यानी कि AI, ठीक है, वो हमने डेवलप किया है जो कि ट्रेडिंग व्यू में ऑटोमेटिकली बाय और सेल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। हमने इसको स्पेशली इन्वेस्टर्स के नज़रिए से बनाया है। ट्रेडिंग वालों इंट्राडे के लिए और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए हम दूसरे बना रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट है। जैसे डेवलप होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये हाई प्राइजिंग वाले कोई 50-50 हज़ार के ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है, आप टेंशन मत लो। मैं आपको ये कोई 50-50 हज़ार या 10-10, 20-20 हज़ार में ये बेचने के लिए बात नहीं करने वाला। ठीक है, आप पहले पूरा वीडियो देख लो। तो आप देख सकते हैं ये आपको बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करके देता है, और इसमें हमने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज़ की है जो कि कैपिटल की सेफ्टी का भी ध्यान रखती है। आपका कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिस्क में जाता है 2-4%, और आपको प्रॉफिट भी इतना ही मिलता है 2-4% के आसपास। जनरली आपको मैं ये एक दो बार नज़रिया दिखा देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि इसने क्लोज पोजीशन और बाय पोजीशन एक साथ लिया है, वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कैंडल पे इसने क्लोज किया है और ये कैंडल पे बाय किया है, और हमने ये क्लोज इसलिए करवाया है बिकॉज जब हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट काफ़ी रिस्की आ जाता है और हमारा पहले से बाय किया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाय किया हुआ है, और यहाँ पे अगर हमारे कोड को, हमारे रोबोट को लगता है कि यहाँ पे रिस्क आ गया है तो वो यहाँ पे क्लोज करवा देता है, और ये कैंडल पे कंफर्म करता है कि हमारा जो है वो सच में रिस्की है कि नहीं। नहीं होता है रिस्की तो यहाँ पे हम वापस से बाय कर लेते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ये हर बार नहीं होता है, ये कुछ कुछ बार होता है। देखो जैसे ये कुछ कुछ बार हो रहा है, यहाँ पर नहीं हुआ। देखो यहाँ पर सिर्फ बाय किया है और यहाँ पर क्लोज किया है, यहाँ पर सिर्फ क्लोज किया है, यहाँ पर सिर्फ बाय किया है, यहाँ पर सिर्फ क्लोज किया है। ठीक है, यहाँ पर बाय और क्लोज एक साथ है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका बाय और क्लोज एक साथ ही आएगा। ये हमने समझी आप लोगों की किस कैपिटल सेफ्टी के लिए किया है। अब मैं आपको इसकी एक्यूरेसी का प्रूफ दिखा देता हूँ। ओवरव्यू 65% प्रॉफिट एक्यूरेसी है ये स्ट्रेटेजी का। ठीक है, 4 महीने हमको ऐसे ही नहीं लगे 65% लाते लाते। सबसे पहला ट्रेड जो था ये स्ट्रेटेजी का वो कब पड़ा, वो पड़ा फिफ्थ डेट ऑफ फोर्थ मंथ यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल मंथ में पड़ा और अभी जुलाई चल रहा है। अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, यानी टोटल समझो ना 3.5, अभी जुलाई का भी पूरा महीना ख़त्म हुआ नहीं है, तो टोटल 3-3.5 महीने हुए हैं ये स्ट्रेटेजी को, और उसके अंदर ही इसने आपको 65% प्रॉफिट के साथ 35 टोटल ट्रेड्स लिए हैं, और आपको नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल पे 8,589 रुपीज़ 3.5 महीने के अंदर। ठीक है, अगर रिलायंस की अपन बात करते तो रिलायंस में आप 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में इजीली 30 क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं डिलीवरी के बेस पे। तो अगर वो हम लगा लेते तो आप देख सकते हैं 9% आपका बन रहा है, और 3 महीने यानी ओवरऑल आप समझ के चलो 1 महीने में आपका बना 3% कैपिटल पे। कौन देगा आपको 3% 1 महीने में? कोई भी नहीं देने वाला, बट मैं आपको देने का चांस ये दे रहा हूँ, आप ये ले सकते हैं। मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ रिलायंस में दिखा रहा हूँ, मैं दूसरे भी स्टॉक्स में दिखाऊंगा, सिर्फ उनमें ही ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है हमको जिनका प्राइस 2500 से लेके 4000 की रेंज में है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल्स के लिए। हीरो मोटर को आप देख सकते हैं 3000 चल रहा है, इसमें आप देख सकते हैं 66% प्रॉफिट रेशियो और 56 ट्रेड हुए हैं टोटल पिछले 3-3.5 महीने में, और 18% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया है 30 क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो। ऐसे 30 क्वांटिटी से थोड़ा कम लेंगे बिकॉज इसमें 30 क्वांटिटी ले नहीं सकते 1 लाख कैपिटल में। ये डिलीवरी बेस पे है, ठीक है गाइस, मैं पहले से बता दूं ये डिलीवरी बेस पे ट्रेडिंग है इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली। तो 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में अगर आप हीरो मोटो को पे स्ट्रेटेजी लगाते हो तो 17% रिटर्न आपको सिर्फ 3-3.5 महीने के अंदर इसने निकाल के दे दिया हमारी स्ट्रेटेजी ने। ठीक है, और आप देख सकते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन यानी कि आपका कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इसमें गया है 3-3.5 महीने में, वो है 3.64% का सिर्फ, और ये भी रिस्क गया है, इसने लॉस बुक नहीं किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे ज़्यादा लॉस इसने कौन सा बुक किया है, हाइएस्ट लूजिंग ट्रेड है इसका सिर्फ 2.56% का आपके कैपिटल का। मैं आपको दूसरा स्टॉक भी दिखा देता हूँ, अदानी एंटरप्राइज कम चल रहा है, हीरो आइसर मोटर दिखा देता हूँ। मैं आइसर मोटर में आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, 13% रिटर्न्स 3-3.5 महीने के अंदर। ठीक है, सीएट लैब दिखा देता हूँ,
सीएटलेम में आप देख सकते हैं इसका प्राइस तो उल्टा कम चल रहा है। इस रेट में तो आप 32-34 क्वांटिटी बाय कर सकते हो, बट ये 28 क्वांटिटी में भी इसने हमको 17% का रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो ये वर्क कर रही है इस तरीके से स्ट्रेटेजी। ठीक है, आपने देख ली, आपको आइडिया आ गया होगा आई होप। और कोई स्टॉक मैं आपको दिखाऊं जो ये रेंज में चल रहा हो? एस्कॉर्ट्स, टाइटन तो हम, हाँ टाइटन मैंने आपको दिखाया, टाइटन में भी आप देख सकते हैं मोस्टली जो 3000 के रेंज में चलते हैं वो बेस्ट होते हैं। एशियन पेंट में आप देख सकते हैं, एशियन पेंट में भी आपको 11% रिटर्न्स और 60% प्रॉफिट रेशियो एशियन पेंट में 3-3.5 महीने के अंदर अंदर सिर्फ 45 रेट्स। तो आपको आइडिया आ गया, आप डिलीवरी में लेने वाले इतना कमा सकते हैं और इंट्राडे करने वाले थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं। कैसे? अगर आप, आपको पता हो तो आप इंट्राडे में आज बाय किया, समझो मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। देखो इसने यहाँ पे हमको दिया है बाय का, कौन सी कैंडल पे दिया है इसने हमको बाय का, ये वाली कैंडल पे। तो आज आपने बाय कर लिया, ठीक है सपोज, और अभी अभी तक टारगेट आया नहीं है, तो आपको क्या करना है? अगर ये चार्ट पे अभी तक अलर्ट नहीं देता है क्लोजिंग का, तो आप 3:15 बजे तक रुक सकते हो, 3:25 तक, ठीक है यहाँ तक, और फिर सेल कर दो जो भी प्राइस चल रहा हो। और अगर आ जाता है क्लोजिंग का तो क्लोज कर दो। इंट्राडे में आपको लेने का फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको 5 times का लेवरेज मिलता है, यानी आप जितना क्वांटिटी ले रहे हो उसका 5 times ले सकते हो। तो आप समझ सकते हो, अज्यूम करते हैं हम कि टोटल 45 ट्रेड्स में से इसका 10 ट्रेड्स में इंट्राडे में ही टारगेट अचीव हो जाता है मान लो। तो 10 ट्रेड्स में आप कितनी क्वांटिटी ले सकते हो? 28 की जगह पे आप 5 times ऐड कर दो, मैं आपको दिखा देता हूँ। 28 क्वांटिटी के साथ अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप इतना ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो 1 lakh rupees में। और इमेजिन कर लो 140 क्वांटिटी आप ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा, ठीक है उन ट्रेड्स में ऑलमोस्ट 5 times प्रॉफिट बढ़ जाएगा इंट्राडे वाले ट्रेड्स में और बाकी इतना। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे भी करते हो, देखो जो रिस्क लेंगे वही करेंगे, अदरवाइज अगर आप सिर्फ नॉन रिस्क ही जाना चाहते हो तो आपके लिए डिलीवरी बेस्ट है और आप इतने में ही खुश हो जाओ, बिकॉज 3-3.5 महीने में 11% तो आपको वैसे भी कोई नहीं बना के देने वाला। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप 11% की जगह इजीली 25-30% 3-4 महीने के अंदर बना सकते हो, मेरा ऐसा मानना है एज पर ही स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी स्ट्रेटेजी पास डेटा है तो मैं आपको एकदम गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपको स्पेसिफिकली इतना परसेंटेज निकल जाएगा, 20%, 25%, दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट, और थोड़ा बहुत तो यार आगे पीछे होगा ही, ठीक है थोड़ा बहुत, बट इतना इसने ये टाइम पे निकाल के दिया है हमको, आप देख सकते हैं। मैं आपको देखो रिलायंस में अभी एक ट्रेड एक्टिव भी चल रहा है, उसका भी आपको दिखा देता हूँ। देखो रिलायंस पे एक ट्रेड एक्टिव चल रहा है, 2747 पे लिया था, 2757 चल रहा है और इतना प्रॉफिट भी चल रहा है 28 क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रूफ दिखा दिया, तो आपको आइडिया आ गया कि आप अगर इसमें इंट्राडे भी करते हो तो भी आप कमा सकते हो, और अगर आप सिर्फ डिलीवरी बेस पे 1 lakh rupees के हिसाब से आप, या 10 lakh rupees या 1 crore जितना भी आप लगाते हो वो आपके ऊपर है, तो उसके हिसाब से आप इतना बना रहे हो 3 महीने के अंदर, 3-3.5 महीने के अंदर, और आपका कैपिटल पे रिस्क है सिर्फ 3-4% के आसपास जैसा मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो अब आपको ये क्या करना है, अगर आपको ये आप चाहते हो कि आपको ये अलर्ट्स आए, कि ये जो अलर्ट्स हैं बाय और क्लोज वाला, वो अलर्ट आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली रोबोट के थ्रू। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बाय देख के बाय टाइप करूँगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है यहाँ पे। अगर इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया है तो इमीडिएटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे बाय का कॉल आ जाएगा कि भाई बाय करने का टाइम आ गया है, तो हम बाय कर लेंगे। आइडिया आ गया आपको, यानी आप बाय कर लोगे और जब उसको क्लोज करना होगा तो क्लोज का भी अलर्ट इमीडिएटली टेलीग्राम पे आ जाएगा चैनल पे, उधर आप देख के क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आपको उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है जहाँ पे ये अलर्ट्स आएंगे, और कैपिटल सेफ्टी और एल्गोरिदम का आपने देख लिया, लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया, ठीक है मैं कुछ एडिटिंग नहीं किया है, आपको लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया है मैंने, तो आपको देने हैं 30 days के। ठीक है, 30 days तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेंगे, और सिर्फ रिलायंस और टाइटन नहीं, हम आपको 3-4 stocks के अलर्ट्स देंगे, सिर्फ 2-3 stocks के नहीं, 4-5 stocks के हम आपको अलर्ट्स देंगे, जैसे टाइटन हो गया, रिलायंस हो गया, आइसर मोटर्स हो गया, वैसे और भी 2-3 जो 3-4 हज़ार की रेंज में चल रहे होंगे उनके एक साथ अलर्ट्स आपको देंगे। 30 days का प्राइसिंग रहेगा 499 rupees ओनली, है ना बड़ी बात। अगर आप 1 lakh rupees या 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh, 10 lakh लगाते हो, इतना आप लगा सकते हो, तो 499 rupees तो आपके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एक महीने का 30 days का आपसे हम सिर्फ ले रहे हैं 499 rupees, इसमें आप कितना भी कमा सकते हो। अगर आप 10 lakh लगाते हो, इमेजिन 10 lakh आपने लगाया, ठीक है, और अगर आपको इस पे मिल रहा है
समझो कम से कम जाते हैं हम लोग, 2% भी आपको मिल रहा है एक महीने का, ठीक है, तो वो कितना होता है, 20,000 होता है। 20,000 में से अगर आप 499 भी नहीं दे सकते एक महीने का, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये तो आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। और जो अगर 1 लाख कमाता है, आई मीन 1 लाख डाल रहा है, अगर वो भी, उसको भी समझो 2% निकलता है हर महीने का, तो भी उसको 2,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, कैपिटल सेफ्टी के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन होना हो टेलीग्राम चैनल पे, तो पेमेंट करके आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो भी कॉल करके पूछ सकते हैं।